विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स दिया है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मैं आपको फर्स्ट एंड ये सेकेंड ये आपको सॉल्व करके बताता हूं. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, y प्लस वन अपॉन वाई दिया है. ओके अब यहां पे सबसे पहले चीज, y को तो एज इट इज लिखोगे, लेकिन जब ये y ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये क्या रहेगा, y रेज टू माइनस वन रहेगा. अब जैसे यहां पे एक नेगेटिव इंटीजर आता है या फिर एक फ्रैक्शन आता है तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉट अ पॉलिनोमियल. ये सबसे पहले. सेकंड वाला क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 2 माइनस 5 रूट ऑफ एक्स. अब इसका क्या मतलब है, तो यहां पे रहेगा 2 माइनस 5 रूट एक्स. का मतलब क्या है कि ये रहेगा एक्स रेज टू हाफ. अगर सपोज यहां पे क्यूब रूट ऑफ एक्स रहता तो इसको हम लोग लिखते थे एक्स रेज टू 1/3. ओके अब यहां पे भी आप नोटिस कर सकते हो ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रहेगा नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके अब सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब. तो इसमें मैं आपके लिए ये फर्स्ट एंड ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. यहां पे ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एम क्यूब. अब ये एम क्यूब का आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट. तो एम क्यूब के आगे का नंबर क्या है, तो यहां पे रहेगा कोएफिशिएंट, ये इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा. वैसे थर्ड क्वेश्चन में यहां पे दिया है माइनस 2/3 एम क्यूब माइनस यहां पे आएगा 5m² प्लस 7m माइनस 1. हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, एम क्यूब का. तो यहां पे एम क्यूब का कोएफिशिएंट कितना रहेगा, तो यहां पे कोएफिशिएंट रहेगा इक्वल टू माइनस 2/3. हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखना है. तो इसमें मैं आपके लिए फर्स्ट सिक्स एंड ये सेवेंथ आपके लिए सॉल्व करूंगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रूट ऑफ 5 दिया है, रूट ऑफ 5. अब सबसे पहले चीज, यहां पे तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको क्या कंसिडर करोगे, एक्स रेस टू 0 कंसिडर करोगे. तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो यहां पे डिग्री रहेगा 0. नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन एज 7y माइनस y क्यूब प्लस y रेस टू 5. यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है, सो हाईएस्ट पावर इज 5. तो यहां पे डिग्री कितना रहने वाला है, 5 रहेगा. नेक्स्ट, दैट इज 7th. 7th में इट इज एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस यहां पे जेड है. यहां पे एक्स रेस टू 1, वाई रेस टू 1, जेड रेस टू 1 है. यहां पे एक्स रेस टू 1, वाई रेस टू 1 है. यहां पे जेड रेस टू 1. अब इधर आप डिग्री कैसे चेक करोगे, ये सारे 1, 1, 1 को ऐड करो, तो इसका जो ओवरऑल डिग्री है ये कितना है, 3. ओके यहां पे इसका जो ओवरऑल डिग्री रहेगा दैट इज 2. यहां पे इसका जो ओवरऑल डिग्री रहेगा ये कितना रहेगा, 1. तो यहां पे हाईएस्ट पावर किसका है, 3 है ना, तो यहां पे डिग्री कितना रहने वाला है, 3 रहेगा. अब यहां पे जो 8th क्वेश्चन है, यहां पे दिया है एम क्यूब एन रेस टू 7 माइनस 3m रेस टू 5 एन प्लस एम एन दिया है. ओके अब यहां पे आप क्या करोगे, पहले 3 और 7 को ऐड करो, तो इसका कितना आ रहा है, 10. यहां पे तो n रेस टू 1 है, 5 और 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 6. 1 और 1, यहां पे 1 और 1 ऐड किया तो कितना होएगा, 2 होएगा. क्लियर है?
तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हाईएस्ट डिग्री किसका है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना, सब लोग बताओ कितना डिग्री हाईएस्ट क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो फिफ्थ क्वेश्चन को, जब भी लीनियर रहेगा तो उसका जो भी डिग्री है ये कितना आना चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना रहता है, 2। क्यूबिक, क्यूबिक का डिग्री रहता है 3। तो आपको वापस यहां पे डिग्री चेक करना है, तो मैं आपके लिए ये 6, ये 4th एंड ये 2nd, ये तीन आपके लिए सॉल्व करता हूं। ओके, तो ये 2nd क्वेश्चन में यहां पे 5p दिया है। ओके, अब यहां पे सब लोग बता सकते हो डिग्री कितना रहेगा इसका, 1 रहेगा, डिग्री 1 है, तो ये क्या रहेगा, लीनियर रहेगा कि क्वाड्रेटिक कि क्यूबिक, लीनियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर, इट इज 4, यहां पे दिया है एम क्यूब 7m² प्लस 5/2m माइनस √7। अब बताओ यहाँ पे डिग्री कितना है इसका, 3। वेरी गुड, डिग्री रहेगा 3, डिग्री 3 है, मतलब ये क्या रहेगा, क्यूबिक। चलो सबसे लास्ट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन एस 3r³, तो यहाँ पे डिग्री कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो ये क्या रहेगा, क्यूबिक है कि लीनियर की क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। चलो ग्रेट, अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा याद रखना, आप चालू, एक सेकेंड, चालू किससे करोगे, हाईएस्ट डिग्री से चालू करोगे एंड कहां की ओर प्रोसीड करोगे, लोएस्ट डिग्री की ओर प्रोसीड करोगे। क्या बोला, हाईएस्ट डिग्री से आपको लोएस्ट डिग्री की ओर जाना है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। अब देखो, आपको सबसे पहला दिया है एम क्यूब प्लस 3 प्लस 5m दिया है, जहां पे एम क्यूब का डिग्री कितना रहेगा, 3। इसका डिग्री यहां पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, m^0, तो इसका डिग्री ऑफकोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहां पे m^1 है, तो इसका मतलब यहां पे डिग्री क्या है, 1। तो आपको अरेंज कैसा करना है, हाईएस्ट डिग्री फिर लोएस्ट डिग्री, यहां पे हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, एम क्यूब, फिर उसके बाद कौन आना चाहिए, 5m, फिर नेक्स्ट कौन आएगा, 3। ठीक है, कोई डाउट, यहां पे मैं कर रहा हूं सब फर्स्ट एंड ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं। चलो फर्स्ट एंड मैं आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है x³ माइनस यहां पे क्या दिया है, 2 दिया है, मतलब हाईएस्ट डिग्री यहां पे 3 है, ऑफ कोर्स आपको चालू किससे करना है, 3, फिर इसके बाद सारे नंबर्स को कंसीडर करना है, 2, 1 एंड क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट, जहां पे डिग्री 3 है वहां पे नंबर क्या है, तो यहां पे नंबर इज 1, तो 3 के नीचे क्या आएगा, 1। क्या यहां पे कोई x² का पार्ट है, क्या नहीं, यहां पे आप 0 लिखोगे। क्या यहां पे कोई x का पार्ट है, नहीं, तो यहां पे आप 0 लिखोगे। यहां पे 0 का पार्ट ऑफ कोर्स है, ये क्या आएगा यहां पे, -2। आपको क्या करना है, सबके बीच में कॉमा डालना। चलो नेक्स्ट इज, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन, -2/3 दिया है, तो इसका ऑफकोर्स डिग्री क्या आएगा, 0 आएगा, एंड 0 क्या रहेगा, सबसे लोएस्ट डिग्री रहेगा। तो यहां पे आप ब्रैकेट डालोगे, ऊपर आप 0 लिखोगे, कोएफिशिएंट क्या है जिसका 0 है, वो आएगा -2/3। ओके, अब यहां पे मैं आपके लिए ये सेकेंड वाला ट्राई करता हूं, ध्यान देना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, उस पर ध्यान दो। यहां पे क्या दिए, 5, 0, 0, एक और एक 0 दिया है,
एंड एक माइनस वन दिया है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे लास्ट से चालू करो, या फिर आप डिग्री जीरो पुट अप करो, फिर वन टू थ्री, यहाँ पे क्या आएगा फोर। लिखोगे कैसे आप? आप इसको लिखोगे x रेस टू जीरो, यहाँ पे आप लिखोगे x रेस टू वन, फिर यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा x क्यूब, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है x रेस टू फोर। ध्यान देना, x रेस टू जीरो का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन डालो। यहाँ पे x रेस टू वन के लिए कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप प्लस जीरो एक्स डालोगे। एक्स स्क्वायर के लिए भी कोई नहीं है, तो आप प्लस जीरो एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का भी कोई नहीं है, तो प्लस जीरो एक्स क्यूब। एक्स रेस टू फोर का जो कोएफिशिएंट है इट इज फाइव, तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव एक्स रेस टू फोर। तो ये आपका क्या रहेगा? पॉलीनोमियल। ये मेथड आप फॉलो करो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करने, जिनको डाउट है क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये तीन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल क्या है? तो बाइनोमियल में क्या रहता है? टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल रहता है। ट्राइनोमियल क्या रहता है? जिसमें थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स रहेगा। एंड मोनोमियल क्या रहता है? जिसमें वन वेरिएबल रहेगा। ओके, तो अभी समझने का ट्राई करते। x प्लस सेवन, तो यहां पे आप देख सकते हो एक वेरिएबल क्या है x रेस टू वन, दूसरा वेरिएबल आप देख सकते हो x रेस टू जीरो। तो दो वेरिएबल आया, तो ये क्या रहने वाला है? बाइनोमियल रहेगा। नेक्स्ट x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कितना वेरिएबल है? सिर्फ एक वेरिएबल है। तो आप लोग बताओ क्या आएगा ये? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? मोनोमियल। वेरी गुड। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस फाइव, एक वेरिएबल, दूसरा, तीसरा, एंड यहाँ पे एक्स रेज टू जीरो, एक और एक फोर्थ वेरिएबल है। तो ये तो तीनों में नहीं आता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सीधा पॉलिनोमियल बोल दो और कुछ नहीं, इसका कोई नाम नहीं, ठीक है? हम लोग को सिर्फ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पता है। अगर तीन से ज्यादा रहेगा तो सीधा पॉलिनोमियल बोल देना। चलो नेक्स्ट, टू एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स एंड टेन, एक वेरिएबल, दो, तीसरा वेरिएबल दैट इज एक्स रेज टू जीरो, क्या रहेगा ये? ट्राइनोमियल, क्योंकि थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स है। एक्स क्यूब प्लस नाइन, कितना वेरिएबल्स आप लोग बताओ? टू वेरिएबल्स, तो क्या आएगा? बाइनोमियल, बाइनोमियल। थ्री एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स, कितना वेरिएबल्स है यहाँ पे? टू, तो क्या आना चाहिए? बाइनोमियल, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको क्या दिया है? टू एक्स रेस टू फोर, थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? ध्यान दो हर स्टेप जो बोल रहा हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है? फोर। फिर आप इसको कैसे लिखोगे? इंडेक्स फॉर्म में, फोर थ्री, सॉरी टू वन, एंड क्या आएगा? जीरो आएगा। फोर के लिए कोएफिशिएंट क्या है? टू। थ्री के लिए कोएफिशिएंट कितना है? थ्री। टू के लिए कोएफिशिएंट कितना है? माइनस टू। वन के लिए कोएफिशिएंट कितना है? फोर। जीरो के लिए कोएफिशिएंट क्या है? जीरो। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना। ये सबसे पहले बराबर किया तो आपका सबसे डिफिकल्ट सम भी इजी बन जाता है। अब इसके आता है नेक्स्ट पार्ट, डिवाइड किससे करना है हमें? एक्स प्लस थ्री से।
अब ये x प्लस थ्री जो है इसको इक्वल टू क्या लेगा, जीरो। x इक्वल टू प्लस थ्री दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, माइनस थ्री होगा। तो बाहर जो नंबर आएगा ये क्या आने वाला है, माइनस थ्री आएगा। सबसे फर्स्ट जो नंबर है इसको एग्जैक्टली नीचे लिखते तो ये टू एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा, थ्री इंटू टू बन जाएगा सिक्स, माइनस इंटू प्लस होएगा माइनस। थ्री और सिक्स में बड़ा साइन किसका रहेगा, ऑफकोर्स सिक्स का रहेगा, तो माइनस साइन नीचे आएगा, दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्रैक्ट। नेक्स्ट थ्री थ्री जा नाइन, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस। टू और नाइन में ऑफकोर्स नाइन बड़ा है तो साइन नीचे क्या आएगा प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्रैक्ट करके सेवन आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन, फोर और ट्वेंटी वन में ट्वेंटी वन बड़ा है, नीचे आएगा साइन माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्रैक्ट करके सेवनटीन आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री इंटू सेवनटीन फिफ्टी वन, जीरो प्लस फिफ्टी वन करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिफ्टी वन, ये आपका रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट आता है कोशेंट। अब ये कोशेंट को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान दो, यहां पे टू माइनस थ्री सेवन माइनस सेवनटीन, इसको आप क्या करो कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो, तो डिग्री स्टार्ट होएगा जीरो वन टू, यहां पे क्या आएगा थ्री, एक्स रेज टू जीरो, एक्स रेज टू वन, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब आएगा, यहां पे रहेगा माइनस सेवनटीन, यहां पे रहेगा प्लस सेवन, यहां पे रहेगा माइनस थ्री, यहां पे रहेगा टू, ये क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन।